नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं द राइटर्स डेस्क। दोस्तों, मैं आपके लिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई प्यारी प्यारी कहानियां लाते रहता हूं। हमारे चैनल को देखते रहिए और कमेंट में बताइए आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले की पार्ट्स की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके उन्हें देख लीजिए, ताकि आपको इस कहानी की आगे की पार्ट्स सही से समझ में आए। रति और वरुण की लव स्टोरी पार्ट 6। सब कहते हैं प्यार को बयां नहीं किया जा सकता, मगर प्यार तो दिल में होता है, और दिल से की गई कोशिश मतलब प्यार से की गई कोशिश। यही प्यारी सी कोशिश वरुण ने भी की थी रति को अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए। रति की आंखों में जो दिख रहा था उसे वरुण ने अपने प्यार से बनाया था। रति मेन गेट के अंदर गई। उसने गुलाब की पंखुड़ियों से बना एक रास्ता देखा जो एक दरवाजे के सामने खत्म हो रहा था। वरुण ने कहा, अंदर चलो। रति के पैरों से दबी गुलाब की पंखुड़ियों की मुस्कुराहट ये बता रही थी कि रास्ता अब मंजिल से मिल चुका है। रास्ता वरुण का प्यार और मंजिल रति का दिल, और सच्चे प्यार करने वाले अपने मंजिल तक तो पहुंच ही जाते हैं। रति कमरे के अंदर गई। वरुण ने लाइट ऑन किया। लाइट तो जली, मगर कमरे को देखकर रति के दिल की धड़कन रुक गई। पूरा कमरा बैलून से भरा हुआ था और हर एक बैलून पे लिखा था, रति आई लव यू। सामने के दीवार पे अपना बड़ा सा फोटो देखकर रति की रुकी हुई धड़कन अब जोर जोर से धड़क रही थी। पूरा सीलिंग हार्ट शेप के बैलून से सजा हुआ था। कमरे के बीच में एक टेबल था, उसके ऊपर रखे केक पे फॉर माय लव रति ये लिखा था। ये सब देख के रति के आंखों में आंसू आ गए। तभी वरुण ने अपने हाथों में एक रिंग लिया, रति के पास आया और घुटनों पर बैठ गया। दोनों की सांसें थम सी गई, मानो वक्त ही रुक गया हो। आई लव यू रति, आई वॉन्ट टू लिव माई रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, वरुण ने कहा। रति का दिल और मन दोनों ही वरुण ने अपनी अच्छाई से जीत रखा था, मगर आज तो वरुण ने अपने प्यार को इस तरह सजाया था कि रति के मन में ना बोलने का ख्याल तक नहीं आया। अब मैंने तो पहले ही कहा था, नफरत और प्यार दोनों हमशक्ल होते हैं। कब कौन किसकी जगह ले ले किसी को पता नहीं होता। The end. Hope so आपको हमारी कहानी पसंद आई हो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई आगे भी अच्छी अच्छी कहानियां लाते रहेंगे।